हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सब क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -8 -6 आयोटा। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं इसका, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई। ठीक है, या फिर वाई आयोटा, और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास रहेगा -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकल जाएगा अगर स्क्वायर लेते हैं तो। देयरफोर -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1 -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस -1 वाई स्क्वायर। नाउ देयरफोर -8 -6 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा माइनस वाई स्क्वायर। ओके, and therefore -8 -6 iota equals to x square minus y square plus 2xy iota। ठीक है, अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इक्वल रहेंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेंगे। अगर हम रियल पार्ट इक्वल लेते हैं, यहाँ का रियल पार्ट है x square minus y square और लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है -8, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें -8 मिलेगा। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है 2xy और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है -6। देयरफॉर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे मिलेगा y इक्वल्स टू -6 अपॉन 2x। ओके, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू -3 अपॉन एक्स, अगर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, इसे कहते हैं हम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट y इक्वल्स टू -3 अपॉन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू -8। ठीक है, नाउ देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8। ठीक है, अब देखिए अगर इस एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें एक्स रेस टू 4 -9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8। ठीक है, एंड देयरफॉर एक्स रेस टू 4 -9 इक्वल्स टू -8 एक्स स्क्वायर। देयरफॉर लुक हियर, यहां मिलेगा हमें एक्स रेस टू 4 प्लस 8x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। -8x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे जो x स्क्वायर है, नाउ पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू m। अगर हम x स्क्वायर इक्वल्स टू m सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें
एक्स रेस टू फोर मतलब एम स्क्वायर रहेगा, एम स्क्वायर प्लस एट एम माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस नाइन एम माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। हमने इसके फैक्टर्स लिए, देखिए एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, कांस्टेंट टर्म माइनस नाइन है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस नाइन मिलेगा, माइनस नाइन के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट एट आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एम स्क्वायर प्लस नाइन एम और माइनस एम माइनस नाइन, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। एम स्क्वायर प्लस नाइन एम से अगर हमने एम बाहर लिया तो ब्रैकेट में एम प्लस नाइन रहेगा, यहाँ से माइनस वन बाहर लिया तो ब्रैकेट में एम प्लस नाइन रहेगा, देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट एम प्लस नाइन का, सेकंड ब्रैकेट एम माइनस वन का इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब एम प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो और एम माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर एम इक्वल्स टू माइनस नाइन और एम इक्वल्स टू वन, ठीक है। एम का वैल्यू माइनस नाइन रहेगा या फिर m का वैल्यू 1 रहेगा। नाउ लेट m इक्वल्स टू, सपोज हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। देयरफोर देखिए क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयरफोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्यों, सिंस m इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ओके। बट व्हाट इज x, x इज रियल नंबर, बट हम क्या कहेंगे, x इज अ रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आना पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे x कॉमा y बिलोंग्स टू R लिया, इसका मतलब x रियल नंबर, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस नाइन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो क्या पॉसिबल रहेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो एक्स इक्वल्स टू रहेगा प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 है तो एक्स का वैल्यू रहेगा प्लस माइनस 1, ठीक है। नाउ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है तो हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, x के वैल्यू हम दो ले सकते हैं, ठीक है, 1 और माइनस 1। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। सपोज हमने क्या कंसिडर किया, x इक्वल्स टू 1, तो ये x इक्वल्स टू 1 वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, ओके। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, y इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन वन एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस थ्री। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू माइनस थ्री रहेगा, तो हमारा यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा इक्वल्स टू, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू माइनस थ्री है, 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस थ्री, ओके। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस थ्री आयोटा, ठीक है ना, ये फर्स्ट। अब जो सेकंड है, देखिए इस सेकंड में हम सपोज एक्स का वैल्यू कंसिडर करते हैं माइनस 1, लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो यही वैल्यू पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1 को, ठीक है। देखिए इक्वेशन सेकंड मतलब ये, देयरफॉर y इक्वल्स टू रहेगा क्या, माइनस 3 अपॉन माइनस 1 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 3, मतलब जब x इक्वल्स टू माइनस 1 है तब y इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ का हमारा दिए हुए कॉम्प्लेक्स रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा इक्वल्स टू, x का वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस y का वैल्यू 3 है, 3 आयोटा, माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से
माइनस एट माइनस सिक्स आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 1 माइनस थ्री आयोटा रहेगा या फिर माइनस 1 प्लस थ्री आयोटा रहेगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से सब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन सेकंड का कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 24 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लुक हियर, हम कंसीडर करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ लुक हियर, यहां हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर अगर लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें x प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वन, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ देयरफॉर 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम इन दो टर्म को साथ में लेते हैं, 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू रियल पार्ट साथ में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनको साथ में लिया, प्लस अब रहेगा 2xy आयोटा। ठीक है, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है 7, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है 2xy, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है 24, देयरफॉर y इक्वल्स टू 24 अपॉन 2x, 2 से 24 को अगर डिवाइड करते हैं तो y इक्वल्स टू 12 अपॉन x मिलेगा, इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे लुक हियर, ये जो y इक्वल्स टू 12 अपॉन x वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 12 अपॉन x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन यक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 7। हमने क्या किया, वाई का वैल्यू 12 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, नाउ देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स रेज टू 4 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, देयरफॉर एक्स रेज टू 4 माइनस 144 इक्वल्स टू 7x स्क्वायर। इस 7x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स रेज टू 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम रखते हैं तो एक्स रेज टू 4 का वैल्यू क्या होगा, एम स्क्वायर। ठीक है ना, उसका स्क्वायर होगा एम स्क्वायर। ओके, देखिए अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 7 एम माइनस 144 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 16 एम प्लस 9 एम माइनस 144 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम यम बाहर ले सकते हैं और इन दोनों में से हम 9 बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यम माइनस 16 प्लस 9 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यम माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे यहाँ रहेगा यम माइनस 16 कॉमन, ठीक है ना, दोनों जगह पे हम माइनस 16 दूसरे कॉमन ले सकते हैं, देयरफॉर यम माइनस 16 इंटू यम प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर यम माइनस 16 इक्वल्स टू 0 रहेगा,
और यम प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा, एंड देयरफॉर यम इक्वल्स टू हमें 16 मिलेगा और यम इक्वल्स टू माइनस नाइन। बट वॉट इज यम? यम इज एक्स स्क्वायर। यम इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस नाइन। बट वॉट इज एक्स? एक्स इज रियल नंबर। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज रियल नंबर। बट हम क्या कहेंगे? एक्स इज अ रियल नंबर। अगर एक्स यहाँ पे रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस नाइन इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेगी। अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है हम तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ले सकते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इज पॉसिबल। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 है। इसका मतलब हमारे पास एक्स के दो वैल्यू है, एक्स इक्वल्स टू 4 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 4। एक्स का वैल्यू 4 रहेगा और एक्स का वैल्यू माइनस 4, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 4। नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स का वैल्यू 4 हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, मतलब इक्वल्स टू 3। जब एक्स का वैल्यू 4 है तब वाई का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, ठीक है। लुक हियर, यहाँ पे हम अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा ये लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमारे पास 4 है और y का वैल्यू 3 है, मतलब ये मिलेगा हमें 4 प्लस 3 आयोटा, ध्यान दीजिए, ओके। अब इसी प्रकार से हमने x इक्वल्स टू 4 कंसिडर किया है, अब हम x इक्वल्स टू माइनस 4 कंसिडर करते हैं। लेट x इक्वल्स टू माइनस 4। नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू माइनस 4 हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सॉरी इक्वेशन सेकंड, दोनों भी जगह हमें इक्वेशन सेकंड लिखना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे भी x इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है तो इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें? देयरफॉर y इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3। देखिए जब x माइनस 4 है y का वैल्यू माइनस 3 है, तो यहाँ जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा हमने लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई आयोटा, इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस 4 है और y का वैल्यू माइनस 3 है। तो देखिए इस नंबर का स्क्वायर रूट हमें दो प्रकार से मिलेगा, एक 4 प्लस 3 आयोटा और दूसरा रहेगा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। चलिए इसका हम स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं, 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई आयोटा या फिर आयोटा वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई दिस वैल्यू बिलोंग्स टू आर, ओके। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम यहाँ पे दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सिर्फ ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है? माइनस 1 है। नाउ देयरफॉर 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस टू एक्स वाई आयोटा और यहाँ पे माइनस स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस. नाउ दे आर फोर वन प्लस फोर स्क्वायर रूट थ्री आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा. ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, पहले रियल पार्ट कंपेयर करेंगे फिर इमेजिनरी पार्ट. यहाँ का रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है वन, इसे कहेंगे हम फर्स्ट. राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है टू एक्स वाई और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है फोर स्क्वायर रूट थ्री. ठीक है, देयरफोर देखिए हम y इक्वल्स टू ले सकते हैं फोर स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू एक्स एंड देयरफोर y इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन एक्स. ठीक है ना, इसे कहेंगे हम सेकंड. ओके, अब देखिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं. पुट, क्या कह सकते हैं हम, पुट y इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन x इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसे रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफोर x इज टू स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर एज इट इज, y का वैल्यू हमें रखना है x स्क्वायर, व्हाट इज y, टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन x, तो इसे हमें लिखते आएगा टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू वन. नाउ देयरफोर x स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू वन मिलेगा. इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज टू फोर माइनस ट्वेल्व अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू वन रहेगा. देयरफोर x रेज टू फोर माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू x स्क्वायर, देयरफोर x रेज टू फोर माइनस x स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स ले सकते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस ट्वेल्व है तो इसे ले सकते हैं हम एक्स रेज टू फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो. इसके हमने फैक्टर्स लिए हैं माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा. चाहे तो हम यहाँ पे इसके इक्वल्स टू यम भी कंसिडर कर सकते हैं. अभी इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर. ओके, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं थ्री, अगेन ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. देयरफोर फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर का, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाहर लेंगे और यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो. देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो. देयरफोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस थ्री. एक्स स्क्वायर का वैल्यू फोर रहेगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस थ्री. बट एक्स इज रियल नंबर, लेकिन एक्स क्या है, रियल नंबर है. बट हम क्या कहेंगे, एक्स इज अ रियल नंबर. अगर एक्स यहाँ पे रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस थ्री इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा. तो क्या पॉसिबल है हमारे पास, देयरफोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इज पॉसिबल एंड देयरफोर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू. एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस टू. ठीक है, देयरफोर हम एक्स इक्वल्स टू टू ले सकते हैं और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू ले सकते हैं. x का वैल्यू 2 रहेगा और x का वैल्यू माइनस टू. ठीक है, नाउ फर्स्ट लुक हियर, कंसीडर करते हैं हम लेट x इक्वल्स टू 2. ठीक है ना, x का वैल्यू हम 2 लेते हैं. यही x का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड. इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, देयरफोर y इक्वल्स टू, देखिए ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें टू रखना है, टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू, टू टू के साथ कैंसिल होगा तो वाई इक्वल्स टू हमें स्क्वायर रूट थ्री मिलेगा. ठीक है, ये फर्स्ट. अब सेकंड देखिए, सेकंड केस हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू,
पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन सेकंड। एक्स का वैल्यू माइनस टू हम इक्वेशन सेकंड में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें वाई इक्वल्स टू टू अपॉन स्क्वायर रूट थ्री अपॉन माइनस टू एंड देयरफॉर वाई इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम चलिए यही एक बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसे मैं रद्द करता हूँ। ओके, यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे हम, ये समझ में आएगा आपके। देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा हमारा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, मतलब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं सेकंड। क्या है सेकंड हमारे पास, सेकंड केस में लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इन सेकंड, अगर हम इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें, वाई इक्वल्स टू टू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन माइनस टू देयरफॉर वाई इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। जब x का वैल्यू माइनस टू है तब y का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री है। ठीक है, नाउ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे x और यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x हमारे पास माइनस टू है, y का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो ये रहेगा माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर रूट देख के आपको डर लगता होगा कि अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है तो सॉल्व करते समय बहुत दिक्कत जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा मेथड है उसी मेथड से हमें जाना है, हमें पता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, फिर इसे आगे सॉल्व किया, हमें एक्स के वैल्यू मिले हैं, एक्स के वैल्यू लेके हमने वाई के वैल्यू फाइंड किए और उस पे से फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया उन वैल्यू को यूज करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करें। सब क्वेश्चन 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा। ओके, नाउ लेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं x प्लस आयोटा वाई या फिर वाई आयोटा। ठीक है, यहाँ का एक्स वाई जो है ये बिलोंग्स टू r है। ओके, नाउ लुक हियर, हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा x प्लस आयोटा y ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका हमें एक्सपेंशन लेना है, नाउ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंशन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर या फिर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ देयरफॉर 3 प्लस टू स्क्वायर रूट 10 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वन, सिंस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये रहेगा माइनस वन। Now therefore 3 plus 2 square root 10 iota equals to x square plus 2xy iota minus y square and therefore 3 plus 2 square root 10 iota equals to इसे हम लिखेंगे x square minus y square plus 2xy iota। अब हम real part और imaginary part compare करेंगे, therefore यहाँ का रियल पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। इमेजनरी पार्ट हमारे पास है टू एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर टू स्क्वायर रूट टेन, यहाँ का इमेजनरी पार्ट टू एक्स वाई, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट टू अंडर रूट टेन एंड देयरफॉर वाई इक्वल्स टू टू अंडर रूट टेन अपॉन कितना टू एक्स, ये टू इस टू के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू अंडर रूट 10 अपॉन x और इसे कहेंगे हम सेकंड।
नाउ पुट, लुक हियर, पुट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिलेगा x रेस टू 4 माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x रेस टू 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं तो x रेस टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ देयरफॉर यहां पे अगर हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे x रेस टू 4, 10 के फैक्टर्स जिसका सम हमें माइनस 3 मिलना चाहिए, तो ये रहेगा माइनस 5x स्क्वायर, फिर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम x स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5 रहेगा। इन दोनों टर्म से अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5 रहेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर माइनस 5 का और सेकंड टर्म या सेकंड ब्रैकेट रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 का। अगर x स्क्वायर माइनस 5 हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 रहेगा। नाउ देयरफॉर x square minus 5 equals to 0 और x square plus 2 equals to 0, therefore x square equals to 5 और x square equals to minus 2। ठीक है, अब यहाँ पे x जो है real number है, but x is a real number। अगर x real number है, हमें पता है real number का square negative नहीं रहेगा, तो x square equals to minus 2 is not possible, ये possible नहीं रहेगा x square equals to minus 2। ओके, therefore हम लेते हैं x square equals to 5। ठीक है, अगर x square equals to 5 है तो इसका मतलब x equals to plus minus square root 5 रहेगा। ओके, now look here, हम x equals to square root 5 और x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 5 ले सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। ओके, अगर हमने x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 लिया, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन सेकंड। इसे हमें इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो ये मिलेगा देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 5। ठीक है ना, स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 5 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इनटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, हमारे पास y का वैल्यू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 2। अब इसी से हम कंसीडर करते हैं इस नंबर का स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 5 और y का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सेकंड कंसीडर करते हैं। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड में हम x इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 5। एक बार हमने स्क्वायर रूट 5 लिया है, अब की बार लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 5। देखिए स्टूडेंट, अब x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 5 कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन सेकंड में। ओके, पुट x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा फिर हमें, y इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट 5। देखिए स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 5 क्या मिला था, स्क्वायर रूट 2, तो माइनस स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 5 क्या मिलेगा, माइनस स्क्वायर रूट 2, सिंपल सी बात है।
तो जब x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 5 है तो y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 है. ओके, देयरफोर लुक हियर, देयरफोर ध्यान दीजिए, देयरफोर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास. देखिए x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 है और y का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा. तो इस प्रकार से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आयोटा के स्क्वायर रूट्स क्या क्या रहेंगे, एक स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, दूसरा माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा. ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके, नाउ लुक हियर लेट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओके इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं x प्लस i आयोटा y. ओके, तो यहां पे x कॉमा y दिस वैल्यू बिलोंग्स टू r, मतलब ये रियल नंबर है. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहां हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इस प्रकार से मिलेगा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ देयरफोर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ देयरफोर 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ देयरफोर 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा माइनस वाई स्क्वायर. Therefore, 2 minus 2 square root 3 iota equals to x square minus y square plus 2xy iota. ठीक है, हमने रियल नंबर को साथ में लिया है, अब इन्हें हम कंपेयर करते हैं. देखिए x square minus y square equals to 2 रहेगा, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ का रियल पार्ट x square minus y square है, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट 2 है, x square minus y square equals to 2. RHS का इमेजिनरी पार्ट 2xy है और LHS का इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है. नाउ देयरफोर y इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2x, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, देयरफोर y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन x, इसे कहते हैं हम सेकंड. ठीक है, देखिए ये वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन x, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं. पुट y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफोर x स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2. ओके, नाउ देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2. इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स रेज टू 4 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, देयरफोर एक्स रेज टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर, एंड देयरफोर x रेज टू 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं, देयरफोर x रेज टू 4 माइनस, इसे लिख सकते हैं हम माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर बाहर ले सकते हैं तो ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 रहेगा, सिंपल सी बात है. इन दोनों टर्म से 1 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 रहेगा इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3. अब इस कंप्लीट टर्म से हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा इक्वल्स टू 0,
देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देयरफोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, नाउ लुक हियर, व्हाट इज एक्स, बट हम क्या कहेंगे, बट एक्स इज अ रियल नंबर, यहाँ का जो एक्स है ये रियल नंबर है। अगर एक्स रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो क्या पॉसिबल है, देयरफोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री इज पॉसिबल। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री है, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू मिलेगा हमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री। एक्स स्क्वायर अगर थ्री है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्री और एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री रहेगा और एक्स का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है, नाउ लुक हियर, हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्री। सपोज एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री है, एक्स का वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री, चलिए इसे हम रखते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्री इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, हम इसे इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट थ्री एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस वन। x का वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री है तो y, और तो y का वैल्यू हमें माइनस वन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू वन माइनस थ्री, स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा। ओके, इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y, वॉट इज y, माइनस वन, x स्क्वायर रूट थ्री, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट थ्री माइनस आयोटा। ओके, स्क्वायर रूट थ्री माइनस आयोटा। अब इसी प्रकार से सेकंड कंसिडर करते हैं हम, लेट x इक्वल्स टू कितना, माइनस स्क्वायर रूट थ्री। सपोज x का वैल्यू हम माइनस स्क्वायर रूट थ्री लेते हैं। ओके, नाउ पुट x इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री इन इक्वेशन सेकंड, हम इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर x का वैल्यू अगर माइनस स्क्वायर रूट थ्री यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन माइनस स्क्वायर रूट थ्री, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, y इक्वल्स टू वन, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल्स टू वन। जब x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री रहेगा तब y इक्वल्स टू वन रहेगा। ओके, देयरफॉर ये जो नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, टू इंटू वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा इक्वल्स टू, यक्स का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री है और वाई का वैल्यू वन है, तो ये रहेगा माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस आयोटा। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट थ्री है और वाई का वैल्यू वन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। एक बात ध्यान में रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कंसिडर किया हमने हर एक स्क्वायर रूट के सामने, मतलब किसी भी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इक्वल्स टू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर वहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू हमने फाइंड किए, वो एक्स और वाई के वैल्यू हमने इस नंबर में सब्स्टिट्यूट किए, तो हमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे स्क्वायर रूट मिला है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अब क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आपको सिखाया है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपके जो भी सजेशंस है प्लीज़ उन सजेशंस को भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए,
देखिए बात, लाइक कीजिए और प्लीज 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 कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।